आ गया आपका दोस्त मनोज और आप देख रहे हैं ऑटो पैसा। दोस्तों आज हम बात करेंगे ग्रो ऐप में या किसी भी म्यूचुअल फंड के ऐप में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, आपको रिजल्ट चाहिए कि हमें म्यूचुअल फंड SIP करना है तो हमें कितने दिनों के बाद रिजल्ट मिलता है, कितने दिनों के बाद हमें SIP से प्रॉफिट देखना चालू हो जाता है। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल में आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाए तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि आप मंथली SIP कर रहे हैं, मंथली SIP में आपको मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। ठीक है, मार्केट में 1 साल 2 साल उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, इस चीज़ से यानी प्रॉफिट दिखने के लिए आपको लंबे समय तक बना होना चाहिए। अगर मार्केट को समय देंगे तो मार्केट आपको काफ़ी बड़ा मुनाफा दे के जाएगा। ठीक है, मैं लाइव एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ, मैं अपना दिखाना चाहता हूँ पोर्टफोलियो में कि मैंने SIP किया था तो मुझे कितनी प्रॉब्लम आई थी, किस तरह से मुझे नुकसान हुआ, किस तरह से मैं म्यूचुअल फंड से रिडीम किया, क्या क्या दिक्कत आई, सारी दिक्कतें मैं यहाँ पे बताऊँगा। देखिए यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट मैं दिखाना चाहूँगा ताकि आपको देख के पता चल जाए कि किस तरह से म्यूचुअल फंड से हमें प्रॉफिट होता है, किस तरह से लॉस होता है। ठीक है, तो देखिए शुरुआती दौर में आप जब SIP करेंगे तो मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये SIP 2021 में चालू हुआ था। ठीक है, 2021 में चालू हुआ था और धीरे धीरे बढ़ते 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 प्रॉफिट बढ़ता गया, कम होता गया। ठीक है, लेकिन ओवरऑल मुझे प्रॉफिट नहीं दिख रहा था, समझ गए, मार्केट उतार चढ़ाव दिख रहा था, प्रॉफिट तो दिख रहा था लेकिन लॉस भी दिख रहा था, किसी दिन प्रॉफिट हो रहा है किसी दिन लॉस हो रहा है। ठीक है, मार्केट में उस टाइम मुझे विश्वास नहीं था कि मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। ठीक है, तो यानी मैं धीरे धीरे SIP चालू करता रहा करता रहा करता रहा, यहाँ पे देख सकते हैं एक नीचे यहाँ पे बिल्कुल डाउन हुआ है, ये ग्राफ में डाउन दिख रहा है। ग्राफ में डाउन कब हुआ है, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चालू हुआ था उस टाइम मार्केट 3% के आसपास में गिरा हुआ था। उस टाइम में मार्केट में नया नया था, मुझे थोड़ा सा भी विश्वास नहीं था कि मार्केट कितना गिर जाएगा, यानी उस टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं था। उस टाइम मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट 40-50 हज़ार के आसपास में था। ठीक है, सारा मैं रिडीम कर लिया, रिडीम करके बिल्कुल जीरो कर लिया, यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ में बिल्कुल जीरो दिख रहा है, बिल्कुल जीरो लेवल दिख रहा है। मुझे फिर कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला, मैंने काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी मैंने न्यूज़ देखा, काफ़ी यूट्यूब वीडियो देखा, उससे मुझे पता चला कि मार्केट कभी भी एकदम से नहीं गिरता है, जब नीचे गिरता है उसके बाद बाउंस बैक काफ़ी तेज़ी से करता है। ठीक है, तो मार्केट में मैं धीरे धीरे विश्वास लाया, उसके बाद री इन्वेस्ट किया। ठीक है, यानी जितने भी पैसे मैं रिडीम किया था सारे पैसे को मैंने फिर से इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो धीरे धीरे मैं इन्वेस्ट करना चालू कर दिया, यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ उठता गया है। ठीक है, उसके बाद मैं कंटिन्यू बना रहा मार्केट में, कंटिन्यू बना रहा, ये जो वार है ना इससे मुझे काफ़ी विश्वास मिला, मुझे उस टाइम पता चल गया कि मार्केट कभी भी गिरता है तो ऊपर उठता जरूर है। ठीक है, इसीलिए मुझे मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा आ गया, तो मैं अपना जो SIP था वो कंटिन्यू करता रहा करता रहा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यू मेरा SIP चालू रहा, यहाँ पे मेरा निगेटिव भी दिख रहा है, 5,000 4,000 ऐसे निगेटिव दिख रहा था, निगेटिव दिख रहा था, पॉजिटिव दिख रहा था, ऐसे लगातार कंटिन्यू ये कम से कम 2023 तक मुझे लॉस दिखना चालू रहा, यानी 2 साल तक मुझे लॉस ही दिखता रहा। मेरा SIP कभी पॉजिटिव में जा रहा था कभी निगेटिव में जा रहा था, लेकिन ओवरऑल मुझे निगेटिव ही दिख रहा था। यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा SIP है वो यहाँ पे निगेटिव दिख रहा है 2023 तक। ठीक है, 2023 मार्च के बाद धीरे धीरे कंटिन्यू ऊपर की तरफ गया। ठीक है, यहाँ पे डेट और तारीख देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये कंटिन्यू मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यानी 2 साल तक मुझे लॉस हुआ लेकिन 2 साल के बाद मुझे प्रॉफिट चालू होना शुरू हुआ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट कई बार यहाँ पे नीचे आया हुआ है। ठीक है, लेकिन मेरा विश्वास था वो काफ़ी हाई लेवल पे था, क्योंकि मुझे पता था कि जब मार्केट गिर रहा है तो ऊपर एक ना एक दिन जरूर जाएगा। ठीक है, तो मैं मार्केट में बना रहा, कंटिन्यू बना रहा, मेरा SIP मार्केट गिर रहा है तभी खरीदा जा रहा है, बढ़ रहा है तभी खरीदा जा रहा है, यानी जो हमारा प्राइस है एवरेज होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं धीरे धीरे मेरा प्राइस एवरेज होते होते एकदम से ऊपर की तरफ गया। ठीक है, ये 2023 खत्म होते 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 हुए यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, लास्ट 2024 में मार्केट थोड़ा गिरा था, यहाँ भी मेरा SIP चालू रहा। ठीक है, तो 2024 में भी चालू रहा कंटिन्यू, 2024 में काफ़ी हलचल हुआ ऊपर नीचे ऊपर नीचे, लेकिन ओवरऑल मार्केट ऊपर की तरफ गया और मुझे हमेशा प्रॉफिट दिखता रहा, यानी 2000 यहाँ पे देख सकते हैं 2023 के बाद मुझे लॉस कभी नहीं दिखा, 2023 के बाद कंटिन्यू मुझे प्रॉफिट ही दिखा। आज 2024 देख सकते हैं, 2024 खत्म होने वाला है, 2024 खत्म होने वाला है,
यहाँ पे मार्केट 10% गिरा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट 10% गिरा हुआ है, फिर भी मेरा पॉजिटिव में दिख रहा है। तो यानी लंबे समय तक हम बने रहते हैं तो हमारा जो पोर्टफोलियो है कभी निगेटिव में नहीं रहता है, हमेशा पॉजिटिव में रहता है। तो यहाँ पे मैं लंबे समय तक बना रहा तो मेरा पोर्टफोलियो हमेशा प्रॉफिट में दिखता रहा। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है और करंट में कितना चल रहा है, ठीक है। यानी 1 लाख रुपए का प्रॉफिट सीधा सीधा दिख रहा है, यानी मैं लंबे समय तक बना रहूंगा तो मुझे ये काफी तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा। ये जो लाइन देख रहे हैं नीचे वाला लाइन जो है वो मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, ठीक है, और ये प्रॉफिट अमाउंट है, यानी इस लाइन से काफी ऊपर तक जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उससे कई गुना ज्यादा हमें प्रॉफिट दे सकता है अगर हम लंबे समय के लिए बने रहे तो। ये ग्राफ काफी ऊपर तक जा सकता है अगर हम और 10 साल, 15 साल, 20 साल इस मार्केट में बने रहे तो, ठीक है। तो जो लोग मार्केट में विश्वास लाना चाहते हैं वो छोटे छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करके अपना पोर्टफोलियो बढ़ा सकते हैं, मार्केट में विश्वास ला सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ गया है, अभी रिकॉर्ड 20 साल, 25 साल पहले का आप देख सकते हैं, जब भी मार्केट नीचे आया है तो हमेशा ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। कुछ दिनों के बाद, 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद मार्केट ऊपर ही बाउंस बैक किया है, ठीक है। तो इसीलिए जो लोग इन्वेस्ट करेंगे उनको आगे आने वाले समय में काफ़ी मोटा मुनाफा कमा सकते हैं और अपने पैसे ग्रो करवा सकते हैं। तो इसीलिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी मैसेज हो, तो आप मैसेज बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से वीडियो हमेशा बनाता रहता हूँ फाइनेंस के ऊपर, म्यूचुअल फंड के ऊपर, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।